अब तो किसी की आवाज आनी ही नहीं चाहिए। देखिएगा, हमने कनकेव मिरर पूरा अच्छी तरह से पढ़ा दिया था। कनकेव मिरर से जितनी भी इमेजेस बनती थी, ठीक है, कनकेव मिरर को कौन सा दर्पण कहते हैं हिंदी में? हिंदी तो पूछिएगा मत, मुझे याद नहीं। बुक है हिंदी की, साइंस लाओ दोनों। एक सेकेंड, एक तो एनसीईआरटी का बुक, इससे बड़ा कोई बुक नहीं और इससे फालतू कोई बुक नहीं समझ नहीं। अवतल दर्पण, कनकेव मिरर मीन्स अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर मीन्स उत्तल दर्पण, लिख लीजिएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, कनकेव मतलब केव, गहराई में। अब देखो, अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें, वेदर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस, अगर किसी कौन बोल रहा है, मुंह बंद करके याद करिए, आवाज आ गई तो सीधे उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी चीज है, उसको हम डिस्टेंट मतलब बहुत ज्यादा दूरी पे रखें और इट इज क्लोजर टू कन्वेक्स मिरर, कहा जा रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस और इट इज क्लोजर टू कन्वेक्स मिरर, अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर से या तो बहुत ज्यादा दूरी पे रख दो या उसके बिल्कुल पास ला करके रख दो, इमेज बनेगी। और कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल बनेगी मतलब कि अनरियल, इरेक्ट मतलब कि सीधी, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट मतलब जो चीज आप उसके सामने या दूर रखेंगे उससे हमेशा छोटी ही वो इमेज बनाई जाएगी। समझ में आ रहा है बात आप लोग को? फिर से, कन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण वो दर्पण होता है या मिरर होता है जिसपे, जिसके सामने अगर बहुत दूरी पे कोई चीज रखी गई हो या बिल्कुल उसके नजदीक चीज ला करके आप रख दो ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज बनेगा या प्रतिबिंब जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा मतलब कि अनरियल, सीधा इरेक्ट मतलब कि सीधा बनेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटा बनेगा। मयंक बेटा, जो कल चैप्टर कराया था ना आप लोगों को मैथ्स में, उसके बुक एक्सरसाइज ट्राई करिए, निकाले भाई भी वही कर रहा है, वो भी आएंगे तो यही करना है। सो चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ओनली चेंज द साइज ऑफ इमेज, ओके, बट इन एवरी केस द इमेज रिमेन स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर के पास जो ऑब्जेक्ट रखी गई है उसका पोजीशन चेंज कर, मतलब नजदीक है तो थोड़ा दूर बढ़ाइए या थोड़ा एंगल पास लाइए, नजदीक ले जाइए, तो जो इमेज होगा उसे मिरर के सामने से आगे पीछे किसी भी ऑब्जेक्ट को करने से केवल उसका शेप चेंज होगा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा उसका साइज उस ऑब्जेक्ट से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ओके, सिक्स क्लास जाओ तुम लोग दोनों गर्ल्स, गर्ल्स घर जाओ। नहीं, किस चीज का? अरे हाँ ठीक, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी। फोन तो लाए बेटा, निकाली रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, जाइए कर लो बेटा, कर लो, बाद में कर लो। तो मैथ भी तो नहीं करके लाए ना घर से आप लोग, है ना?
देखिएगा, सो अब एक चीज और क्लियर समझ लीजिए कि जो कन्वेक्स मिरर था उसके आप नजदीक पे कोई ऑब्जेक्ट रखो या बहुत ज्यादा दूरी पे ऑब्जेक्ट रखो, ठीक है? या बेटे मुझे दया आ गया, करे लो टेस्ट, साक्षी ले जा कर ले, कोई बात ना कर ले, अभी कर ले, दो घंटे बाद चाहिए। अच्छा ठीक, ओरल है भैया। देखिएगा, तो जब भी ऑब्जेक्ट आप दूर रखें या नजदीक रखें, इमेज हमेशा छोटा बनेगा जितना बड़ा साइज का। जैसे मान लो ऋतिक जितना बड़ा है, अगर इसको कन्वेक्स मिरर के सामने रखें या दूर ले जाए, कहीं भी दौड़ता कूदता रहे, इसकी जो इमेज बनेगी हमेशा इसके साइज से छोटी ही बनेगी, उल्ट और सीधी बनेगी, सीधी बनेगी, छोटी बनेगी और अनरियल बनेगी, ठीक है? सीधी। देखिएगा, मैग्नीफाइंग में तो आपको पता ही कन्वेक्स होता है, कनकेव था ना, बताया तो था आप लोगों को मैंने। अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स मिरर चाहे कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन में हो, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा और हमेशा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और सीधा बनेगा। सीधा इमेज, सीधा मतलब कि अपसाइड डाउन नहीं, उल्टा नहीं बनेगा। कन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनेगा हमेशा सीधा बनेगा, जो भी ऑब्जेक्ट या वस्तु होगी उससे छोटी इमेज बनेगी और सीधी बनेगी, ठीक है, और अनरियल बनेगी। तो अब हम देखते हैं, द डिफरेंस इज दैट, द डिफरेंस is that in a plane mirror the image is of the same size as the object, but in a convex mirror the image is always smaller than the object. Plane mirror में क्या हो रहा था, जो इमेज बन रही थी सेम साइज से बन रही थी। अगर अब हम प्लेन मिरर, जो कि आईने में हम अपने आप को देखते हैं, उस मिरर की बात करें, प्लेन मिरर मतलब बेटा ना तो कॉन्केव होगा और ना कॉन्वेक्स होगा, वो बिल्कुल इस तरह का स्ट्रेट होगा, ठीक है, बिल्कुल इस प्लेन मिरर। तो अगर हम प्लेन मिरर की बात करें और कॉन्वेक्स की बात करें, बाहर निकले हुए की, उत्तल दर्पण की, तो इसमें जो इमेज होगा आईने में, प्लेन मिरर में, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है? आप जिस साइज के हो उतना ही बड़ा साइज का इमेज बनेगा उसमें, और आप जितनी दूरी पे रहोगे उतनी उसी के हिसाब से आपकी इमेज घटती और बढ़ती रहेगी। आईने के सामने जाते 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 एकदम बिल्कुल उसके अंदर चले जाओ तो बड़ा हो जाएगा ना, और दूर चलते चलते जाओ तो आपके क्या कहते हैं, छोटे बनते जाओगे, ऐसा ही होता है ना। लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है या कन्वेक्स मिरर जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा हमेशा छोटा बनेगा, कभी भी ना तो ऑब्जेक्ट के साइज का बन सकता है ना ऑब्जेक्ट से बड़ा बन सकता है। देखिएगा, वी विल अब देखिए परफॉर्म तो कुछ नहीं करना है। देखिएगा, व्हाट एवर बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे तो उस मिरर से कितनी भी दूरी पर क्यों ना, ठीक है, या तो बिल्कुल नजदीक ला के रख दीजिए या कितनी भी दूरी पर कर दीजिए, जो इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल बनेगा, एवरी टाइम इरेक्ट बनेगा मतलब सीधा बनेगा और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर किसको समझ में आया, हाथ उठाइए। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब ये हो गया कि कॉन्वेक्स मिरर पहले होता क्या है, ये कॉन्केव हो गया और ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है इस तरह का, अरे चम्मच, ये देखिए ये बाहर निकला हुआ है ना, चम्मच का बाहरी बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा, ये वाला, ये कन्वेक्स है। और केव मतलब की गहराई, केव गुफा गहरा ही तो होता है, तो कनकेव केव, ये देख रहे हैं, कनकेव मतलब की अवतल और कन्वेक्स मतलब उत्तल, उत्तल मतलब की बाहर निकला हुआ, अवतल मतलब की धसा हुआ गहराई। हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स की, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण। इसमें आप किसी भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट आप जाओ या कोई सामान रख दो, पीछे से गाड़ियां आ रही है कुछ, अगर उसका इमेज बनेगा तो हमेशा पहली बात कि सीधा बनेगा,
उल्टा नहीं बने। दूसरी बात, जो भी ऑब्जेक्ट होगी उससे हमेशा छोटा ही इमेज बने। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु एक मीटर जितनी बड़ी है, एक मीटर लंबाई वाली बड़ी है, तो जो इमेज बनेगा उससे छोटा ही बनेगा, ना तो एक मीटर का बनेगा और ना एक मीटर से बड़ा बन सकता है। दो चीज क्लियर हो गई, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो वस्तु है उससे छोटा बनेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या, कि जो भी इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी। और तीसरी, वर्चुअल मतलब कि वास्तविक या सॉरी अवास्तविक या अनरियल बनेगी। क्लियर है? तो अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि कन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज कहां करते हैं, ठीक है। कनकेव का तो आप लोग को याद ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है याद नहीं है आप लोग को, लेकिन पढ़ लीजिएगा। लेकिन कन्वेक्स मिरर का देखते हैं कि कहां कहां यूज होता है। कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स टू सी द ट्रैफिक एट द रियर साइड। आपने जो व्हीकल्स की साइड मिरर होती है ना, जो कांच लगी होती है, उसमें आपने देखा होगा गाड़ी चाहे कितनी भी नजदीक आ जाए, चाहे कितनी भी दूर हो, पूरा का पूरा उसमें आके आपको दिख जाएगा, अच्छी तरह से दिखता है ना, पहली बात। और वो क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। गाड़ियों में साइड में जो ग्लासेस लगी होती है, जो मिरर लगा होता है, वो कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है, कितनी भी दूरी पे जो चीज आएंगी उनको सीधा दिखाएगा। कैसे होता, खा रहे हो, कम करो। इतनी रोटी खा दो लगता तो नहीं, कोई बात नहीं। अरे अभी नहीं खाएगा तो कब, हम लोग की उम्र में खाएगा, बैठा रह जाएगा, खाया करता बाकी कुछ नहीं होता, चिट्टी बोल। चलो ऐसा, हाँ और क्या, अब सबसे पहली बात यह है कि हमने तो ये बोल दिया कि कन्वेक्स मिरर यूज होता है व्हीकल्स में साइड मिरर की तरह, क्यों होता है ये भी तो जानने वाली बात है। बिकॉज दे फॉर्म इरेक्ट सीधी एंड वेरी स्मॉल इमेज ऑफ द थिंग, मतलब कि पूरे रोड पे जितनी भी गाड़ियां आ रही है सारी की सारी आपको उस मिरर में दिख जाएगी। अगर छोटा ना बनाए, बड़ा बनाएगा तो एक गाड़ी ही दिखेगी, या हो सकता है सारी चीज का पता घर पे, ओके, ठीक है। तो मतलब कि सारी की सारी है ना व्हीकल्स या सारी छोटी छोटी इमेज बनेगी तो पूरा का पूरा रोड का व्यू आपको दिख जाएगा आपके आईने में। समझ में आ रही है बात आपको, एक तो फायदा ये, और सीधी बनेगी तो गाड़ियां बिल्कुल सीधी सीधी आपको दिखेंगी, ओके। यही सबसे बड़ी बात तो ये थी पहली। दूसरी खासियत क्या है, बिग कन्वेक्स मिरर आर यूज एज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। आपने मेट्रो में देखा होगा एक जगह, वो है ना एक कांच जैसा या आईने जैसा लगा देते हैं वहां पे मेट्रो प्लेटफॉर्म पे, देखा है बाहर निकला हुआ। उसमें क्या होता है कि एक ही मिरर में ना जितना भी पूरा का पूरा पब्लिक है सारा का सारा उसी में, उसके थोड़े इतने छोटे छोटे सारे है ना सब दिख जाएंगे। तो किसी भी शॉप पे या दुकान पे क्या होता है ना, जैसे सीसीटीवी कैमरा पहले नहीं होता था, तो सीसीटीवी कैमरा आ गया, तो एक मिरर लगा देंगे ना अगर इस तरह का कन्वेक्स, तो उसमें पूरा का पूरा जो शॉप का पूरा व्यू आ जाएगा। तो उसको देख करके पता लगाया जा सकता है कि किसने है ना टॉफी खोस ली बिना पैसे दिए। अभी श्रद्धा भी कन्वेक्स मिरर यूज करवाएगी। वीक कन्वेक्स, बेटे जब मैं आऊं तो हटा देना, वीक कन्वेक्स मिरर आई यूज, ये तो हो गया। दो यूज याद रखिएगा, दो खासियत, एक की जो इमेज बनती है इरेक्ट मतलब सीधी बनती है, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। और इसका दो यूज क्या है, दो यूज ये है कि भैया पहले तो गाड़ियों के साइड मिरर में लगता है व्हीकल्स के, समझ रहे हैं बात को, और दूसरा दुकानों पे या प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन पे सिक्योरिटी मिरर मतलब सुरक्षा आईने के रूप में लगाया जाता है। क्लियर हो गया, इतना छोटा कॉन्सेप्ट था, कनकेव ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कन्वेक्स छोटा है ज्यादा बड़ा, समझ में आया। ये देखिए बोले पॉपकॉर्न, अरे भैया वही तो पढ़ा रहे हैं, स्फेरिकल लेंसेज, खुश
और तुम्हें लग रहा था कि बिना पूरा पढ़ाई में टेस्ट ले लूंगा, मुझे लगा गलत फहमी में हो गया ना कि शायद मैंने करा दिया इसीलिए। तुम्हारे दिमाग बहुत छोटे हैं, चुप रहो। स्फेरिकल लेंसेज क्या होता है? देखिए ये जो मिरर होता है वो वन साइडेड होता है। मिरर मतलब कि अगर हम कॉनकेव की बात करें, अब अगर हम दो चम्मच लगा दें तब क्या होगा, वो लेंस बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये कॉनकेव है और ये कन्वेक्स है, लेकिन एक चम्मच बिल्कुल सेम इसी तरह का ऐसे लगा दें तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। और दो चम्मच अगर उल्टी साइड से सटा के लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा, और अगर ऐसे लगा दें तो कन्वेक्स हो जाएगा। मतलब देखिए, आवाज नहीं, क्योंकि जब भगवान ने सुपरमैन जैसा शरीर नहीं दिया है ना, ठीक है, तो कम बोला कर, मेरा मतलब के ठुक जाए तो उठ जाओ तू यहाँ। अच्छा चिक्की के पास जाओ, चिक्की आ रहा है, आ जाओ। हाँ बैग लेके जाओ, आ जाओ बेटा बैग। अब देखिएगा जहां कहा था मैं, ठीक है। अब ये जो आपको इमेज दिख रही है, अब जिससे पूछेंगे वो बच्चे बताएंगे। पहले तो मैं अंजू से ही पूछूंगा। आशीष तुम बताओ, ये कॉनकेव है या कन्वेक्स है? क्या? अरे अच्छा, सुनाई नहीं पड़ा थोड़ा। तू कौन है और तू कौन है भाई? अच्छे से बैठ पीछे। अब बोल, ये कन्वेक्स और ये कन्वेक्स पूछते हो किसको कहते हैं? अरे उसको बोलने देना भाई, तो फिर तू ज्यादा गहराई में जा रहा है। बता, इस चम्मच में कौन सा कन्वेक्स कॉनकेव है, कौन सा कन्वेक्स? अंदर की ओर जो होगा वो क्या होगा? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, बहुत बच्चे हैं ना पिछल जाते हैं। तुम बताओ, ये बता कन्वेक्स है या कॉनकेव? ये कॉनकेव है, ये क्या? अरे ये चम्मच का क्या, चम्मच खाएगा? ये पेपर में ये आएगा, चम्मच ना आया तेरे। ये कन्वेक्स है या कॉनकेव है? कन्वेक्स, ठीक, ओके। तुम बता गुड़िया, ये कन्वेक्स है, ये क्या है, ये कॉनकेव है, क्या है? कन्वेक्स, कन्वेक्स, गुड। किसकी उंगली काटे, बहुत ज्यादा उंगली उठ रही है। तू बता गुड़िया, ये क्या है? कन्वेक्स, और ये कॉनकेव। तुम बताओ, हाथ नीचे कर लो ना, क्या पैरासूट पहन के उड़ जाओगे? देखिए, जो अंदर की और ये लेंस की बात हो रही है, लेंस होगी तो डबल साइडेड हो जाएगा, तो ये देख रहे हैं ना, दोनों साइड से अंदर फंसा हुआ है, देख रहे हैं ना? देख रहे हैं? ये अंदर धंसा हुआ है, केव, कॉनकेव, केव मतलब कि केव के अंदर, केव मतलब गुफा, अंदर ही तो होगी कॉनकेव, और कन्वेक्स मतलब कि बाहर निकला हुआ, समझ गए? क्या देखिए, इसके दांतों को पत्थर से तोड़ दो, मैं उसको 10 रुपए का चॉकलेट खिलाऊंगा, जो तोड़ सकता है तोड़ दे, ठीक है? तो समझ गए आप लोग कन्वेक्स और कॉनकेव लेंस क्या होता है। बिग गेस सेफ, अच्छे से बैठे, सीधा पे बैठे। अब देखो ये लेंस होता क्या है, अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस, जिसके दो सर्फेसेस होते हैं, ठीक है, बाउंड मतलब कि वो जुड़े हुए होते हैं, स्फेरिकल मतलब क्या हुआ, छल्ले टाइप का होगा, ठीक है ना, निकला हुआ होगा उससे। लेंसेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। स्पेशली क्या होता है, लेंसेज हमारे जो चश्मे बनते हैं उसमें यूज होते हैं मोस्टली, है ना? तो बिना लेंसेज के आप समझ लीजिए कि ना तो दूरबीन बनती, ठीक है ना, और ना ही हमारे ये जो चश्मे हम पहनते वो बनते।
डिपेंड करता है ना, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग यूज होता है। हम लोग कन्वेक्स भी पहनते हैं और कनकेव लेंस भी यूज करते हैं, दोनों लेंस यूज होता है। मैं आपको बताऊं, देखिएगा, मिरर आर नॉट ट्रांसपेरेंट सो लाइट रेज कैन नॉट पास थ्रू मिरर्स। मिरर जो हम देखते हैं, मिरर की बात करिए, मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होता। अब खुद सोचो, अगर हमने जो दाढ़ी बनाने वाला ये सेविंग जो मिरर था, उसको अगर आर पार रोशनी चली जाती तो हमारी इमेज दिखती कैसे? अगर जो व्हीकल्स जो हमारी गाड़ियों के पीछे शीशे लगे हैं, तो वो भी तो एक आईने की तरह होता है, देखते हैं पीछे से प्लास्टिक लगा होता है या कोटिंग रहती है, ऐसा तो नहीं ना, ऐसा कांच मेरे गेट की तरह आर पार लाइट चली जाएगी तो फिर इमेज बनेगा कैसे? लाइट टकरा के लौटनी भी तो चाहिए ना। हाँ, मिरर यूज करेगा। हाँ जी, मिरर की तरह मिरर हो गया, लेकिन याद रखिएगा, मिरर होने के लिए इस तरह का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि बिल्कुल भी लाइट आर पार नहीं जानी चाहिए, थोड़ी सी भी दायबा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, तब जाके ज्यादा अच्छा से अच्छा इमेज बनेगा। पेंट सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि पेंट करने के बाद है ना, कोई सरफेस मान लो गत्ता लगा रखा हो या प्लास्टिक लगा रखा हो, कार्डबोर्ड लगा रखा हो, थोड़ा बहुत दाएं बाएं हट भी सकता है, साइड से लाइट भी आ सकती है, तो दिक्कत होगी। लेकिन एकदम पेंट कर दिया तो बिल्कुल पोशी बंद हो गया बिल्कुल, है कि नहीं? होता भी, आप आईने को देखेंगे, किसी भी आईने को तो देखेंगे ना, तो उसके पीछे पेंट किया हुआ रहता है, निकालेंगे कांच को, उसे करिएगा मत, हाथ कट सकता है, रेड कलर चाहे कोई भी कलर कर सकते। बेटे थोड़ा आप लोग को आवाज कम करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की और कनकेव लेंस। देखिए, द लेंस विच इज थिकर इन द मिडल देन एट द एज इज कॉल्ड द कन्वेक्स मिरर। मोटा, जो बीच में मोटा हो, देख रहे ना, बीच में मोटा है, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा होता है और साइड वाले पतले होते हैं, उसको कन्वेक्स या उत्तल लेंस कहते हैं। और ऐसा लेंस जो बीच में पतला लेकिन कॉर्नर पे ऊपर या नीचे साइड में मोटा हो, उसको कनकेव कहते हैं या अवतल लेंस। लाडो, न्यूरॉन में इसको समाओ, याद करके बिठाओ, ऐसे नहीं काम चलेगा, हमें सारे बच्चे एक साथ लेके चल रहे। देखिए, तो बेटा माइनस होगी ना, और क्या, तो उसको माइनस को प्लस में बदलना होता है ना, हमको ले जाके रेसिप्रोकल करने के बाद करेंगे ना उसको। ये इसमें आप लोग रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा। हाँ बता, तो कनकेव लेंस क्या होता है और कन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये आप लोग समझ पा रहे हो? हाँ मैम, ठीक है, गुड़गुड़ हो रही है। देखिएगा, अब कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, ये आप लोगों को बोर्ड पे दिखाना होगा। पहले मैं यहां वीडियो में दिखा दूं बच्चों को कि कन्वेक्स लेंस जो होता है, भैया लोग को पढ़ाया था अभी, कि वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ये हुआ कि जितनी भी लाइट आती है, टकराने के बाद एक पॉइंट पे उजाकर के मिलेगी। दे दी आपने, जाओ। दूसरा क्या है, अब मैं सबसे पहले आप लोग इसको क्या कहते हैं, ये बोर्ड पे समझाने वाली चीज है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, एक मिनट दीजिएगा। देखिए, सो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, यहां पर पैरेलल रेज आती है, लाइट आती है, तो जैसे ही वो कन्वेक्स लेंस के अंदर इंटर करती है, पार करने के बाद एक पॉइंट पे जाके मिल जाती है। आपको जैसा कि पता है, इट्स नॉट अ मिरर, इट्स अ लेंस, ये ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट, अब मेरा जो चश्मा है, आर पार लाइट जा रही है ना जी इसके कांच के, तो उसी तरह जो कन्वेक्स लेंस होता है या कनकेव लेंस, वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल डाइवर्जिंग लेंस।
तो कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं इसको, क्योंकि लाइट जा कन्वर्ज मतलब कि एक पॉइंट पे जाके मिलना। और जैसे ही अगर आप इसमें फिर इससे क्या होता है, द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट वेयर पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में या उत्तल लेंस में जो फोकस होता है, फोकस क्या होता है, जब लाइट इंसिडेंट ऑफ रे उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस को क्रॉस करने के बाद जिस पॉइंट एक पॉइंट पे जाके मिलती कन्वर्ज कर जाती है, कन्वेक्स लेंस वो होता है जिससे पैरेलल रेज लाइट की पैरेलल या समानांतर जो देखते हैं ना पैरेलल सॉरी जब क्रॉस करके आगे जाती है उसको क्रॉस करती है तो किसी एक पॉइंट पे मिल जाती है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस अप टू द सेंटर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। अब देखिएगा, लेंस से इस फोकस पॉइंट, ये जो पॉइंट है उसकी जो दूरी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं फोकल लेंथ। डिपेंड करता है जितनी दूर कोई चीज आ रही है लाइट या जितना दूर इमेज बन रहा है। ठीक है, ये हम लोग मेजर नहीं कर सकते, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर रखा। ठीक है, देखो सिंस अ कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, तो जैसे ही कोई भी लाइट कन्वेक्स लेंस पे पड़ती है वो उसको क्या करती है कन्वर्ज करा देती है, मतलब आगे ले जाके एक पॉइंट पे मिला देती है। कोई भी पैरेलल लाइट अगर कन्वेक्स लेंस के, बेटा हाथ नीचे करो, गुड़िया को नहीं दिख रहा, कन्वेक्स लेंस के लेंस के पार जाती है उसके उससे होकर के आगे जाती है तो एक पॉइंट पे मिल जाती है। कन्वेक्स लेंस की बात कन्वेक्स कंकेव का बता रहे हैं, अभी कन्वेक्स पे फोकस करो तो कंफ्यूजिया जाओगे। अब इन दिस रिस्पेक्ट अ कन्वेक्स लेंस इज सिमिलर टू अ कंकेव मिरर व्हिच इज बिकॉज अ कंकेव मिरर इज आल्सो कन्वर्ज रेज ऑफ लाइट। ये कंकेव मिरर की तरह ही होता है, कन्वेक्स लेंस कंकेव मिरर की तरह ही होता है, क्योंकि कन्वेक्स कंकेव मिरर में क्या हो रहा था, लाइट टकराने के बाद एक पॉइंट पे मिल जा रही थी, याद है ना कंकेव मिरर। तो कंकेव लेंस अब क्या करता है, कन्वेक्स तो समझ गए कन्वर्ज करा देता है, अब कंकेव क्या करा रहा है, मिला आप लोग इसमें नहीं था तो नहीं भाई कराएंगे फिर। कंकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, लाइट जैसे ही कंकेव मिरर पे पड़ती है वो डाइवर्ज हो जाती है, मतलब कि बिखर जाती है। ठीक है, द फोकस ऑफ अ कंकेव लेंस इज अ पॉइंट फ्रॉम विच द पैरेलल रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू अ कंकेव लेंस। कंकेव लेंस हैज वर्चुअल फोकस बिकॉज लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली पासेस थ्रू इट। एक्चुअली कंकेव लेंस हैज टू फोकी वन ऑन आइदर साइड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस। The distance from focus up to the center of concave lens is called focal length of concave lens. देखिएगा, अब मैं आपको यहाँ पर पहले इसमें वीडियो में एक बार दिखा दूँ, फिर उसके बाद यहाँ बोर्ड पे दिखाता हूँ। ये सारी की सारी पैरेलल रेज आपको पड़ रही है इस कंकेव मिरर पे, ये चार पांच पैरेलल रेज आपको दिख रही है। अब जैसे ही ये टकरा रही है तो डाइवर्ज हो जा रही है, देख रहे हैं ना, ये बिखर जा रही है, ये किसी पॉइंट पे ना मिल करके कहीं भी निकल जा रही है, और आपको ऐसा लगेगा कि आगे एक वर्चुअल मतलब कि रियल नहीं होगा, कंकेव मिरर से के सामने एक पॉइंट है वहां से सारी रेज ये निकल रही है, ऐसा आपको फील होगा। तो ये कंकेव लेंस में क्या होता है, इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। बोर्ड पे देखिए समझ में आएगा और अच्छा। देखिए,
जैसा कि मोदी जी कहते हैं भाई एवं बहनों, भाइयों एवं भाइयों की बहनों। अब ये है हमारा कंकेव मिरर, ये तो समझ में आ रहा है आप लोग, सॉरी लेंस, कंकेव लेंस। ये है पैरेलल रेज। पैरेलल रेज क्या होती है? कोई भी लाइट आकर के किसी चीज पे पड़ेगी, भाई हमने भी चश्मा पहना है, लाइट आके हमारे आंखों पे तो पड़ रही है ना हर तरफ से, तो जैसे ही पड़ेगी ना तो ये जैसे आगे जाके पॉइंट पे जो मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर जैसे पड़ेगी ये किरण निकल, अच्छा नहीं निकली अभी, निकल ये चारों तरफ बिखर जाए। मिरर के नीचे से बिखरी जाए? नहीं, मैंने साइड से थोड़ा सा, मैंने ऐसा ही, ठीक है। ये हो, इसको कहते हैं कंकेव। लेकिन आपको फील क्या होगा, ऐसा लगेगा कि जो यहाँ सामने एक पॉइंट है वहां से ही सारी की सारी रेस, ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब कि तभी आपको इमेज वहां दिखेगी ना, बनती तभी तो पता चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये वर्चुअल पॉइंट होगा, ये रियल नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताऊ, आईने में जब हम देख रहे थे कंकेव मिरर में, तो कैसे देख रहे थे? हमारी इमेज लग रही थी ना कि जो कांच है उसके अंदर उतनी गहराई में बन रही थी कि जितनी दूर हम सामने खड़े। तो ऐसा हो सकता है कि उतने अंदर घुस करके बनेगी इमेज? ऐसा तो होता नहीं है ना। हमें ये फील होता है, बनता तो स्क्रीन पे ही है सब कुछ, सामने ही बनना चाहिए, लेकिन आपको फील होगा कि अंदर वो लाइट जा करके मिल रही है, इसलिए इसको कहेंगे। तो आपको भी यहाँ पर ऐसा ही फील होगा, ठीक है। ये वर्चुअल एक है, मतलब कि आपको समझना क्या है कि कंकेव मिरर लेंस में जब पैरेलल रेज आती है तो वो उसको क्रॉस करने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती, बिखर जाती है, यानी कि समय पे फोकस बना हुआ है जी, एक पॉइंट पे आके मिलती नहीं, फोकस आगे बना, बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ द मिरर लेंस। ये सबसे बड़ी बात इसी ने कही, कंकेव मिरर में जो फोकस बनेगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, और कन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द, ठीक है, एक्स गुड। बेटे वो इमेज तो आपकी रेटिना पे बनेगी ना, लेंस का मतलब है कि लाइट जाने के बाद आपकी आंखों में जो होता है कॉन्सेप्ट उससे कम होता है। भैया लोग को पढ़ाया था ह्यूमन आई अच्छी तरह से, 8th को भी 10th को भी, वो लोग आप लोग को अच्छे से समझा देंगे मुक्का मार के। देखिएगा करा रखा यार, फिर से वही करवा रहे हो तुम लोग। अब कंकेव लेंस में किस तरह इमेज बनेगा? ये तो बताया नहीं था मैंने कि कंकेव लेंस में होगा तो इमेज कितनी दूरी पे रखेंगे, डबल दूरी पे रखेंगे, फोकल लेंथ पे रखेंगे, फोकल लेंथ से अंदर रखेंगे, तो कैसे? चार कंडीशन तो बताया था तुम लोगों को, 285। यूरोप में किसने कहा, लिखा हुआ है क्या? हाँ, चाइना पूरे वर्ल्ड में, एशिया में सबसे नहीं, लेकिन नंबर वन पे चाइना है बेटे, एशिया नो डाउट, एशिया में सबसे दिक्कत होगी, यूरोप लिखा हुआ है, हो ही नहीं सकता। एशिया में होना चाहिए, देखिएगा अब कल देखेंगे। तो बेटा ऐसा करते हैं, अभी लाइट चैप्टर तो हुआ नहीं है, थोड़ा सा मेरा क्या कहते हैं दिमाग सटक गया था इसलिए आप लोगों को बोल दिया, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, ये रुक जाइए मेरे को सोच लीजिए, अभी होमवर्क दे, अभी अभी होमवर्क ले लीजिएगा, बाद में नहीं, बैठे रहिए जहां बैठे हैं बस।